गांधी जिंदाबाद। रायबरेली के मेरे प्यारे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मेरे बड़े भाई राहुल गांधी जी जो आपके नए सांसद हैं, और किशोरीलाल शर्मा जी जो अमेठी के नए सांसद हैं, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत दिल से बधाई। ये हुई ना बात, आपने कठिन से कठिन परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी। पहली बार चुनाव संचालन में किशोरीलाल शर्मा जी नहीं थे, अपना चुनाव लड़ रहे थे अमेठी में, लेकिन इनका कमान निर्मल शुक्ला, क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी इस बार चुनाव लड़ने के लिए, मैंने कहा था कि लगभग 300 घंटे हैं, दो दो तीन तीन घंटे निकाल लीजिए सोने के लिए, बाकी सब काम करेंगे, और आपने ये करके दिखाया है। दिन रात हमने काम किया इस नतीजे के लिए। सबसे बड़ा धन्यवाद रायबरेली की जनता को, मेरे परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने मेरे बड़े भाई को वोट देकर इतनी भारी बहुमत से जिताया। हम सब आपके आभारी हैं, और जितनी श्रद्धा जितनी निष्ठा आपने हमें दिखाई है, उससे दुगनी श्रद्धा उससे दुगनी निष्ठा के साथ हम सब आपके लिए काम करेंगे अगले 5 सालों के लिए और हमेशा के लिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय प्रियंका जी, केसी वेणुगोपाल जी, केएल शर्मा जी, अविनाश पांडे जी, अजय राय जी, आराधना मिश्रा जी, प्रमोद तिवारी जी, पंकज तिवारी जी, प्रदीप सिंगल जी, दीपक सिंह जी, शत्रुघ्न सोनकार जी, एज पे कांग्रेस पार्टी के लीडर, और हमारे प्यारे कार्यकर्ता अमेठी के, रायबरेली के, मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं समाजवादी पार्टी को कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में आपका हर एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से मिलकर एक साथ लड़ा। जनता के बीच में नफरत फैलाते हैं और फिर पूरा का पूरा फायदा 2-3 अरबपतियों को पकड़ा देते हैं। तो वोट किसान ने दिया, मजदूर ने दिया, बेरोजगार युवा ने दिया, माताओं बहनों ने दिया, सबने मिलकर इस राजनीति के खिलाफ वोट दिया है। अब हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ती है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, एमएलए एमपी जो भी हैं, अहंकार के शिकार नहीं होंगे। दूसरी बात, आप सोचिए, हमारा पारिवारिक रिश्ता है, राजनीति में सबसे पुराना रिश्ता आपके और हमारे बीच में है। यह रिश्ता 100 साल पहले रायबरेली और अमेठी के खेतों में शुरू हुआ था, जब अंग्रेजों के खिलाफ यहां किसान आंदोलन हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी आए रायबरेली अमेठी उत्तर प्रदेश में, वहां पे देखा अदानी जी खड़े थे, अंबानी जी खड़े थे, देश के अरबपति खड़े थे, पूरा बॉलीवुड खड़ा था, क्रिकेट की टीमें खड़ी थी, मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं खड़ा। तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है। राम मंदिर बनाया, उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा,
एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक दलित नहीं। आदिवासी राष्ट्रपति से कहते हैं तुम यहां नहीं आ सकती। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाई और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी, हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत का देश चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं। आपने 10 साल इस देश में बेरोजगारी फैलाई, नफरत फैलाई, हिंसा फैलाई और हिंदुस्तान की जनता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब दिया है। और शुरुआत आपके दिल में हुई थी, तो आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने हिंदुस्तान की राजनीति बदल दी, आपने प्रधानमंत्री को ऐसे करवा दिया और आपने पूरे देश को मैसेज दिया कि हम नफरत के खिलाफ हैं, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और देश की राजनीति बदलेंगे। धन्यवाद, मेहनत की। जय हिंद।